नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज काजू की कतली बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। काजू की कतली बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 कप काजू, आधा कप चीनी, 1 टेबल स्पून घी। अब हम काजू को पीस लेंगे। ये हमने काजू को बारीक पीस लिया है। अगर इसमें मोटे टुकड़े हो तो उसे छान ले और फिर दोबारा पीस ले। सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे, तो आधा कप पानी डाल देंगे और आधा कप ही चीनी है, और इसे एक तार की चाशनी होने तक पकने देंगे। ये एक तार की चाशनी बन गई है। अब गैस सिम कर देंगे और एक काजू का चूरा है वो डाल देंगे इसमें, और घी भी डाल देंगे। गैस को सिम रखेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने घी इसमें इसलिए डाला है क्योंकि काजू की कतली में नमी बरकरार रहती है घी से। इसे हमें अच्छी तरह फेंटते हुए चलाना है। इसे इस तरह से फेंट ले और इसमें एक भी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। ये सभी चीज अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हम जमाएंगे। गैस बंद कर देते हैं। ट्रे को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसे हम फैला लेंगे। जितनी पतली काजू की कतली चाहिए उस हिसाब से हम फैला लेंगे। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो गया है। अब इसमें कट लगा लेते हैं। पहले त्रिकोण लगा लेंगे। ये हमारी काजू की कतली बनके तैयार हो गई है। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।